साइट की ये बची हुई ब्रेड घर में कोई भी खाना पसंद नहीं करता। फिर लास्ट में आती है ये मम्मियों के हिस्से में। तो आज इससे एक ऐसी रेसिपी बनाकर ट्राई करेंगे कि घर में ये सबको पसंद आएगी और फिर मम्मी को ही ये ब्रेड खाने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे, उसके बाद डाल देंगे एक बड़ा चम्मच चने की दाल और आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई। फिर इनको हल्का सा भून लेंगे, उसके बाद डाल देंगे कुछ कलियां लहसुन की और साथ ही डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्च जिनको कट लगा कर डालेंगे जिससे वो फटेगी नहीं, और डाल देंगे खूब सारा करी पत्ता। फिर इन्हें हल्का सा भूनने के बाद डाल देंगे 2 कटे हुए प्याज और धीमी आंच पर प्याज को भी अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। फिर डाल देंगे 3 से 4 कटे हुए टमाटर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। फिर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक के लिए भून लेंगे। फिर ढक्कन लगाकर 8 से 10 मिनट तक के लिए धीमी आंच पर सॉफ्ट होने तक के लिए पका लेंगे। बीच में 1-2 बार चला भी लें। जब ये पक जाएंगे तो गैस को बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब एक बाउल में लेंगे 1/2 कप चावल का आटा और लेंगे 1/2 कप सूजी और साथ ही लेंगे 1/2 कप ताज़ा दही। आप चाहें तो हल्का खट्टा दही भी ले सकते हैं। फिर सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद डालेंगे 1/2 कप पानी। तो मैंने जो दही ली थी वो थोड़ी पतली थी, अगर आपकी दही गाढ़ी है तो पानी थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। फिर एक बार सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और ढक्कन लगाकर इसे 8 से 10 मिनट तक के लिए रेस्ट पर रख देंगे। अब जो हमने मसाला भूनकर तैयार किया था वो भी ठंडा हो गया है, अब उसको एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। उसके बाद ज़रूरत के अनुसार थोड़ा सा पानी डालकर इसको पीसकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। फिर इसे किसी दूसरे बर्तन में खाली कर लेंगे। अब एक तड़का पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे, 1/2 चम्मच राई, थोड़ी सी लाल मिर्च और करी पत्ता डालकर उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इस तड़के को अपनी चटनी के ऊपर डाल देंगे। चटनी भी बनकर तैयार हो गई। अब जो ब्रेड थी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। आप इन ब्रेड का क्या करते हो आप मुझे ज़रूर बताना, इससे मुझे भी कुछ आइडिया आएगा। अब इस ब्रेड को मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे और इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। अब जो हमने बैटर रखा था वो भी रेस्ट ले चुका है। ब्रेड के पाउडर को बैटर में डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब बैटर कुछ गाढ़ा सा हो गया है तो इसमें 1/2 कप पानी में और डाल रही हूँ। फिर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप भी अपनी बची हुई ब्रेड को इस तरह से यूज़ कर सकते हो, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। फिर डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और 1/4 छोटा चम्मच खाने वाला मीठा सोडा और थोड़ा सा पानी मिलाकर सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब कोई भी पैन या तवा गरम करेंगे और उसमें बैटर डाल देंगे। गैस की आंच को धीमा रखेंगे और 3 से 4 मिनट तक के लिए पका लेंगे। जब ऊपर से ड्राई हो जाएगा तो थोड़ा सा घी लगा देंगे। आपके पकने का समय थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है तो इसलिए एक बार चेक कर लें। जब ऊपर से ड्राई हो जाए तभी इस पर घी लगाएं। इसे हमें एक ही साइड से पकाना है, दूसरी साइड से पकाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे से कितना अच्छा कलर आया है ये दिखाने के लिए मैंने इसको पलट दिया था। तो इसी तरह सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। ये एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होता है और जो हमने इसके साथ चटनी बनाई थी उसके साथ इसका स्वाद और भी अच्छा आता है। तो इसके साथ इस चटनी को ज़रूर बनाएं। इसे देख के कोई बता ही नहीं सकता कि हमने इसको बची हुई ब्रेड से बनाया है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।